दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर बन चुके अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की एक आंतरिक रिपोर्ट में भयावह दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में जून में हर दिन 2 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं, जबकि रोजाना 3,000 लोगों की मौत भी हो सकती है। अमेरिका में फिलहाल औसतन रोजाना 1,750 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पेश की है। हालांकि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में सिर्फ अंदाजा लगाया गया है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने कहा है कि अगस्त महीने में देश में 1,30,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। फिलहाल अमेरिका में कोरोना 72,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं।